A current carrying wire kept in a uniform magnetic field will experience a maximum force when it is A. perpendicular to the magnetic field, B. parallel to the magnetic field, C. at an angle of 45 degree to the magnetic field, and D. at an angle of 60 degree to the magnetic field. तो बच्चों कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसा, ठीक है। इसकी मान लो एल लेंथ है और कह रहे हैं ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, तो करंट कैरिंग वायर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों इस पर फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। वो कितना लगता है? वो लगता है आई बी एल साइन थीटा, यानी कि जो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लगता है उसको तुम कह सकते हैं आई एल क्रॉस बी, जहां पर एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ के बराबर और वेक्टर की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ये एल है, और बी की डायरेक्शन तो पता है, जैसे यहां पे बना हुआ है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना हुआ है? क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। हमसे पूछा गया कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए भाई? आई तो फिक्स है, जो हमने एक बार फ्लो कर दिया, बी एल ये तो चेंज होगी नहीं, चेंज हम क्या कर सकते, थीटा ऐसे रखा ऐसे रखा, किसी और एंगल पे कैसे भी रख सकते। तो अगर हम यहां पे देखें कि साइन थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन, वन से बड़ी तो होती नहीं साइन थीटा की वैल्यू, तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा किसके बराबर हो? साइन 90 के, यानी कि थीटा किसके बराबर हो? 90 के। इसका मतलब अगर एक वायर को मैक्सिमम फोर्स फील करना है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स कितना होगा? आई बी एल साइन थीटा तो वन हो गया। और उस समय वायर कैसे रखा होना चाहिए? तो वायर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।